बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, गांव से लेकर शहर तक सभी जलमग्न हैं और प्रदेशवासी सिसक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं सूरज शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसून सत्र के दौरान सूखे की समस्या को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे, लेकिन बिहार के उत्तरी भाग में जो हलचल हो रही है उसमें सूखे की बात छोड़िए, लोगों पर पानी का कहर टूट पड़ा है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी और शिवहर में बेहिसाब पानी ने सड़क और पानी का फर्क ही मिटा दिया है। बाढ़ का कहर ऐसा बरपा है कि लोग त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, जिसको जैसे बन पड़ रहा है अपनी जान बचाकर भाग रहा है। लहरों के प्रकोप के आगे आखिर चली भी किसकी है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियों में आए उफान ने तबाही का तांडव शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी सहित 11 जिलों को नेपाल के तबाही का पानी अपनी चपेट में ले चुका है। ये कोई नई बाढ़ की आफत नहीं है। हर साल जब भी नेपाल में भारी बारिश होती है तो बाढ़ की तबाही बिहार में शुरू हो जाती है। इसका कोई स्थायी समाधान करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार नाकाम रही है, जिस वजह से इस बाढ़ के कहर से हर साल सैकड़ों लोग जान भी गंवाते हैं। इस स्थिति का जायजा लेने बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ से बचाव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है और हर समस्या से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के लिए जितना राज्य सरकार चिंतित है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संचय, प्राकृतिक विपदा, जलवायु परिवर्तन, इन चीज़ों पर चर्चा की थी और सभी क्षेत्र के, चाहे कोई भी दल के हों, सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया था और इस पर बहुत गहन चर्चा हुई है। बाढ़ के लिए आज जैसे ओड़ाई और आपका कटरा और गाय घाट के पास जो पता चली है, जिलाधिकारी जी को वहाँ भेजा गया है, वो गए हैं, हमारे SP भी गए हैं, कई पदाधिकारी गए हैं, नाव की व्यवस्था, NDRF वहाँ पहुँच चुकी है, हर तरह से व्यवस्था। अब नेपाल से पानी आ जाता है, जब वहाँ बारिश होती है तो वहाँ से उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ये मामला है अंतर्राष्ट्रीय समझौता का मामला है। हम लोग ने कई बार दरखास्त किया है, इस बार भी हम लोग कह रहे हैं कि नेपाल पर एक बड़ा बराज बन जाए ताकि हमारा हाइडल से भी बिजली भी मिल जाएगा और लोगों को सुरक्षा भी हो जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अभी के समय में जितनी व्यवस्था दी जाए, लोगों को कहा जा रहा है कि जो जल जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ के लोगों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की जा रही है और उन लोगों को भी उसमें मदद करनी चाहिए। वहीं गायघाट प्रखंड में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिससे प्रखंड शिवदाहा बरेल, महेशवाड़ा, बठवाड़ा, तेजोल के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे आधा दर्जन गांव के लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। बरसात के दिनों में हर साल तबाही का मंजर देखने को मिलता है। यहां बाढ़ की तबाही सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है और सरकारें देखती रह जाती हैं। फिलहाल बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। अब दरभंगा से पानी के वार की कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब बेहिसाब पानी आता है तो कैसे अपनी राह खुद बना लेता है। पानी के वार के सामने पुल भी जमींदोज हो गया, मिट्टी को काटकर पानी आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रेन का इंजन भी ठहरा हुआ है, जैसे मानो इंतजार ही कर रहा हो। लेकिन इस तबाही के चलते ग्रामीणों का NH-57 से संपर्क टूट चुका है। दरभंगा जिला में 6 प्रखंड और 35 पंचायत कमला के तटबंध टूट जाने से दरभंगा में बाढ़ का स्थिति और मंडराता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सिंहबारा प्रखंड के। सिंहबारा प्रखंड में भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लोग। यहाँ बागमती और गंडक के नदी से जो है बाढ़ का पानी यहाँ आया है और सड़क जो है टूट गया है। हम बहता पुल हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो है ये बहता पुल है, जो पुल जो है कुछ ही महीनों पहले बना था और ये पुल जो है ये टूट गया है। 38 लाख के लागत से यह पुल जो है बाढ़ के पानी में जो है वह टूट गया और कहीं ना कहीं बाढ़ जो इस पुल का जो है अनियमितता दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है कि यह इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार जो है हुआ है, जिसकी वजह से ये पुल जो है ये टूटा है और बल्कि कुछ महीनों में ही ये पुल टूट गया। तो
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वहाँ से कि इस पुल के टूट जाने से और कितने प्रभावित हुए हैं और क्या प्रभावित हुए हैं, कितने लोग हैं प्रभावित, जरा बताएंगे यहाँ। तकरीबन इस पुल के टूट जाने की वजह से इस क्षेत्र के तकरीबन 10 गांव जो है प्रभावित हुए हैं, और इस पुल के टूटने की वजह यह है कि इसमें कहीं सपोर्ट नहीं दिया गया है, मटेरियल जो है बिल्कुल ख़राब दिया गया है, जिसकी वजह से यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसको पानी ने अपने दबोच में ले लिया। सिंहबारा प्रखंड के चमनपुर गांव में है और गांव की महिलाएं जो है पानी में जो है हेल करके खिचड़ी यहाँ जो बन रहा है बाढ़ राहत कैंप है वहाँ जाने के लिए महिलाएं जो है पानी में जो है तैर करके आई है, चल करके आई है। हम जानना चाहते हैं इन महिलाओं से कि क्या समस्या होता है आप लोगों को, क्या समस्या क्या है? हर चीज के दिक्कत है, पानी के, खाना के, माल के, जाल के, बकरी के, हर चीज के व्यवस्था नहीं, पानी पीने के भी व्यवस्था नहीं। तो जो और सरकार की तरफ से क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, अभी एक बार खिचड़ी बोला है लाने के लिए। जब पानी में हेल करके आते हैं क्या डर बना रहता है? क्या सबके छान का लाग लिया, ऊपर कर लिया, क्या क्या डर बना, क्या डर बना क्या रहता है? पानी में आते जाते हैं तो क्या डर रहता है? तो कह रही है कि जिला प्रशासन यहाँ नाव दिए हैं? नहीं नाव दिए, पैसा भी नहीं, नाव जो अभी देखे हैं जब धूम फैस गया है आदमी तब ना नाम दिया है, पाई लेता है। वो हमें पाई पार करता है, पाई लेता है। और जो बच्चों को लेकर के क्या चिंता बनी रहती है? बच्चा के लेकर चिंता इतना यह है कि हम वो अब तब ना हमारे बाल बच्चा डूबा, और बाल बच्चा डूब जाता हम डूब गए, ये बात है। रात को क्या दिक्कत होती है? रात में सांप कीड़ा हर एक चीज के दिक्कत, कि किन्ने से पथ जात नहीं या जाट ले की करत नहीं करत, और रात में भर रात बैठ कर बिहान करे छे, ना जगह ना घर रहे या बैठे के तो गांव वाले का जी आरोप है कि रात में खास करके जो है समस्या होती है, सांप कीड़ा का डर बना रहता है। इसी गांव में आज जो है एक 12 साल का लड़का जो है जिसे सांप काट लिया है और उसको इलाज के लिए जो है PHC में ले जाया गया। हम बता देते हैं कि आसपास में जो है घर में भी पानी प्रवेश कर गया है और नाव की जो सरकारी स्तर पे जो है यहाँ इस पंचायत में 2 नाव दिया गया है, जो कि बांध जहाँ पे सड़क टूट गई है, पुल टूट गई है, वहाँ से जो है लोग पार होते हैं और घर जाते हैं। ऐसे में इस नाव का ही सहारा जो है फिलहाल बना हुआ है, लेकिन इस नाव जो है बिल्कुल छोटा है, ज़्यादा कुछ गांव के जो लोग हैं उनको घर तक पहुँचाने में कठिनाई बन रही है, क्योंकि जो सड़क टूट जाने से जो है लोग सड़क पे आने जाने के लिए ही लोग का भीड़ बना रहता है, जिससे गांव में जो है आने में नाव को आने में समय नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो है महिलाएं जो है पानी में जो है तैर करके और बच्चे जो है तैर करके आते हैं और बाढ़ राहत कैंप में जो है भोजन करते हैं। पंजाब केसरी के लिए दरभंगा से सुनील भारती। उधर मुजफ्फरपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के बभन गावा में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाए जा रहे भोजन में कीड़े मिलने का दावा किया गया है। अधिकारी लगातार मामले पर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन उनके ही बॉडीगार्ड ने पोल खोल कर रख दी है। देखिए ये वीडियो। चलो निकलो, छनवा लीजिए, छनवाइए चावल को। खाना तुमको भी है जरा ठीक से बनाओ, ये सब तुम ये कीड़ा ऊपर में आप लोग चावल की सफाई वफाई नहीं किए हैं क्या? आप लोग चावल की सफाई नहीं किए हैं? सर चावल का पूरा कीड़ा दिखाई दे रहा है। सर कीड़ा नहीं है सर, किनकी है चावल का? सर चावल का किनकी है, घुन दिखाई दे रहा है। घुन नहीं है, किनकी है चावल का? चावल का सफाई वगैरह नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं चावल का, कर रहे हैं जी। फिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? साफ सफाई नहीं है खाना में, छना लगाना है।
कहाँ पर तो आए ना कभी चट्टी वाला में दाल धो के आते करियो कौन खड़ा है बताइए काला वाला क्या दिखाई दे रहा है तो घुन है घुन है वो वैसे ही चावल रख दिया जा रहा है कोई घुन बता रहा है कोई कुछ कह रहा है लेकिन सच्चाई कहाँ छुपाए छुपती है। ग्रामीणों पर एक ओर से बाढ़ की मार और दूसरी ओर मदद के नाम पर ये खाना। चलिए ये इनकी गलती है अधिकारी तो फटकार लगाएंगे। ये सोचकर जब सवाल अधिकारी से किया गया तो पता चला कि सब उनकी निगरानी में हो रहा है और उनकी नजरों में ये खाना साफ दिखाई देता है। लगता है आदत है ऐसे खाने की। सर थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा यहाँ पे जो चावल बनाया जा रहा है बाटर हाथ कैंप में उसमें घुन वैसे ही दिखाई दे रहा है खाना में? घुन नहीं है वो चावल का उसमें है वो घुन नहीं है। नहीं नहीं आप तो कीड़ा बोल रहे थे भी ऐसा कुछ नहीं। आप देखने की चीज है सारे पब्लिक देख रही है हम अकेले थोड़ी देख रहे हैं। साफ सफाई से बन रहा है आप ठीक से देखिए ऐसा नहीं सबके तरह से हम ही सामने में देख रहे हैं। आप देखिए ना उसको नहीं 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 आप हमारे कोई लोग नहीं बता रहे हैं सब लोग जो खाने वाले लोग हैं सब मौजूद हैं यहाँ एमओ साहब बैठे हैं सब लोग देख रहे हैं उसमें। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उसमें घुन नहीं हम भी देख रहे हैं घुन कुछ नहीं है उसमें। आप अभी देखिए जो घुन जिसको कर रहे हैं उसको देखिए ऊपर से वो धान वाला तिनका कहीं होगा वो थोड़ा बहुत था वो निकाल दिया। घुन में फर्क है सर? भाई घुन नहीं है घुन गलत कर रहे हैं घुन का डिफरेंस आप जानते ही नहीं है। घुन किसको कहते हैं जो कीड़ा खा करके जो छोड़ता उसको घुन कहते हैं। देखिए अब ये है कुछ मार निकलेगा सब फेंका जाएगा मार के साथ सब चला जाता है मार पानी के साथ। तो लीजिए डीटीओ साहब ने अपनी सफाई का ठप्पा लगा दिया है। नजरें शायद दूसरों की खराब है। डीटीओ साहब से भला गलती कहाँ हो सकती है। मामले पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है हालांकि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सोचने वाली बात है कि निगरानी करने वाले अधिकारी ही जब ध्यान नहीं देंगे तो शिकायत जिलाधिकारी तक कैसे पहुँचे। और साथ ही साथ जो सामुदायिक किचन चल रहा है उसमें खाना जो दिया जा रहा है उसमें पिल्लू लगा हुआ है कीड़ा लगा हुआ है। ऐसी कोई सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है जो आप बता रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कहीं से कोई इनपुट हो तो उसको जरूर बताएं क्योंकि प्रशासन की तरफ से हमारी यही व्यवस्था रहती है और प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से खाने की गुणवत्ता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। हम लोग यथासंभव सब जगह प्रयास कर रहे हैं कि स्टील की थालियों में ही उनको दिया जाए क्योंकि ये कोई चैरिटी वर्क नहीं कर रहा प्रशासन। प्रशासन का दायित्व है कि आपदा के समय में जो लोग फंसे हुए हैं उनको मदद करें तो ये कोई चैरिटी वर्क नहीं है या कोई। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट किसी जगह से भी हो। शासन प्रशासन की ओर से बाढ़ से जूझ रहे आमजन को सुरक्षा सुविधा और मदद करने के लिए लाख दावे किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत तो मौके पर पहुंचने से ही पता चलती है। विभाग बाढ़ पीड़ितों की कितनी मदद कर रहा है इसकी सच्चाई पीड़ितों से ही जानते हैं। ये तस्वीरें हैं अररिया के जोकीहाट प्रखंड के सात बीटा गांव की जहां कनकई नदी ने तांडव मचाया हुआ है। गांव जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लगभग 4000 की आबादी इस गांव में रहती है जो पूरी तरह से त्रस्त है। कमर तक डूबे ये ग्रामीण मजबूर हैं घर से बाहर आने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए। लेकिन करे भी तो क्या सरकार के दावे भी लहरों में कहीं गोते लगा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के किचन की व्यवस्था की गई है लेकिन खाना न जाने किसे मिल रहा है। पीड़ित ग्रामीण ऐसी शासन प्रशासन की व्यवस्था को कोस रहे हैं। कितना परेशानी हो रहा कहां से? परेशानी तो बहुत है यहाँ पे। ऐसा है कि देख रहे हैं कमर भर से ऊपर पानी जो है डेली आना जाना करना होता है। अब न जाते हैं न आते हैं तो साग सब्जी के लिए बनता न है किसी तरह तो आना जाना होना। उधर से एक रास्ता था वो भी ब्लॉक हो चुका है टूट करके। नहीं है कोई सरकारी सुविधा? कोई ना आओ कोई चीज सरकारी का यहाँ मुखिया जीते हुए जो है प्रेजेंट में वो भी कुछ जो है अभी तक देखने के लिए नहीं आया कि क्या हाल है यहाँ का। इतना करते हुए इतना रहते हुए भी अगर ऐसा हाल रहेगा तो क्या करेगा प्रतिनिधि कोई भी हो। परेशानी तो बस वही घर में भी पानी घुसा हुआ है कमर में भी पानी है रोड में आए हुए हैं सब
माल मवेशी को सबसे ज्यादा तकलीफ है, हम लोग तो किसी तरह हल के चले आते हैं। पानी यही है कि घर में पानी घुसा हुआ है पूरा बस्ती में। हाँ, आज तक मेरा जो आने की प्रतिनिधि है, मुखिया है, निम्बर है, आज तक आने को हम लोग खोज नहीं लिया कि बच्चा डूबा कि माल डूबा कि बीबी उसका भांस गया, खाया कि नहीं खाया, भूखे अभी चौक पर जा रहे हैं किसी से कर्जा लेकर के, सूदी पर पैसा लेकर के। बाढ़ की इस विनाश लीला से मानो बिहार डूब रहा है। 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, करीब 25 लाख जिंदगियां खतरे की जद में हैं। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो 46 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पहली बार की बाढ़ नहीं है, बीते कई सालों से आमजन बाढ़ की मार झेलते आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते सारे दावे लहरों में कहीं गोते लगाते गुम हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।